हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्विस। आप इस वीडियो में सीखेंगे गीज़र को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो कस्टमर का कंप्लेन है कि गीज़र पानी गर्म नहीं कर रहा और करंट आ रहा है पानी में। जहाँ जहाँ कनेक्शन किया वहाँ वहाँ पानी में करंट आ रहा है। तो ये हम लोग ऑन करके चेक करते हैं कि पानी में करंट आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, ये ऑन हो गया है। तो हम लोग कंटिन्यूटी या टेस्टर से चेक करेंगे कि करंट आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये करंट आ रहा है पाइपलाइन में, कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी करंट आ रहा है इसमें। एंगल कॉक में भी करंट आ रहा है। जहाँ जहाँ गीजर का कनेक्शन होगा वहाँ वहाँ करंट आएगा। तो पानी में भी करंट आ रहा है, ये देखिए, ये कंटिन्यूटी बता रहा है। तो इसका एलिमेंट ख़राब हो गया होगा, उसके कारण ये करंट आ रहा है पानी में। तो उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो गीजर में जितना भी पानी है उसको पानी को बाहर निकाल लेंगे। तो उसके बाद फिर एलिमेंट को निकालेंगे बाहर। तो ये पूरा पानी निकल रहा है और ये कनेक्शन हम लोग खोल रहे हैं एलिमेंट का। और थर्मोस्टेट है और कट आउट है, दोनों को बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए, थर्मोस्टेट और कट आउट दोनों को बाहर निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये बाहर निकल गया। अब हम लोग एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। तो एलिमेंट के ऊपर एक प्लेट लगा हुआ है और उसमें नट टाइट किया हुआ है। तो वो नट को पहले खोलेंगे, उसके बाद ये प्लेट बाहर निकलेगा। तो ये हम लोग चारों तरफ ये नट है, तो चारों तरफ का नट हम लोग खोल रहे हैं। तो ये नट खुल गया। अब इसका प्लेट को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो ये भी प्लेट बाहर निकल गया। अब ये एलिमेंट को प्लास की मदद से खींचेंगे तो बाहर ये एलिमेंट निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये कितना ज़्यादा कचड़ा और एलिमेंट अंदर से फट गया। उसके कारण पानी गर्म भी नहीं हो रहा था और करेंट भी आ रहा था पानी में। तो अभी पूरा एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए, ये एलिमेंट पूरा ख़राब हो गया था। ये साइड में, नीचे साइड में देखिए, ये नीचे साइड में एलिमेंट फट गया है। उसके कारण पूरा पानी में पूरा करंट आ रहा था। जहाँ जहाँ गीजर का कनेक्शन था वहाँ वहाँ पूरा पानी में करंट आ रहा था। तो इसको हम लोग नीचे उतार दिए और ये बोल्ट गिर गया था। तो बोल्ट हम लोग सेट करके फिर एलिमेंट लगाएंगे। एलिमेंट चेंज करने से पहले दोनों एलिमेंट को चेक करके आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये नया वाला एलिमेंट है, तो ये सही है एलिमेंट। अब पुराना वाले एलिमेंट को चेक करके हम लोग दिखाएंगे आपको। तो ये दोनों कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी बता रहा है इसमें, मगर ये बॉडी आ गया है इसमें। ये देखिए, ये बॉडी में कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए, इसलिए करंट आ रहा था पानी में। नया वाला में करंट बॉडी में नहीं बताएगा। तो नया वाला सही है। तो अब इसको हम लोग चेंज करेंगे एलिमेंट को। तो ये देखिए, ये फिट कर रहे एलिमेंट को, ये बैठ गया। अब इसका जो कवर है उसको हम लोग लगाएंगे और बोल्ट से पूरा टाइट कर दे रहे हैं ताकि ये पानी लीकेज ना हो। अच्छा से पूरा टाइट करना होगा। और ये कट आउट है, तो कट आउट को अंदर हम लोग इसको फिट कर देंगे। तो ये फिट हो गया कट आउट। अब ये थर्मोस्टेट है, लंबा वाला जो है वो थर्मोस्टेट है। तो इसको भी फिट कर दिए, कट आउट और थर्मोस्टेट भी फिट हो गया। अब हम लोग एलिमेंट को कनेक्शन करेंगे। तो ये कनेक्शन कर रहे हैं, लाइन न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिए। अब इसमें जैसे जैसे हम लोग खोले तो उसी तरह फिट करके फिर हैंग करेंगे। तो ये हम लोग हैंग कर रहे हैं गीज़र को। तो ये हैंग हो गया है। अब ये इनलेट पाइप को हम लोग जोड़ रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं इनलेट पाइप को। अब ये नल खोल दिए, पानी भर रहा है टंकी में। अब टंकी में जब पानी भरेगा उसके बाद गीज़र को ऑन करेंगे, नहीं तो ऐसे ऑन करेंगे तो एलिमेंट फिर से जलने का डर रहेगा। तो ये पानी भरा गया है, अब इसको भी कनेक्शन कर दे रहे और ये स्क्रू भी लग गया। अब ऑन करेंगे हम लोग गीज़र को। ये ऑन कर लिए, ऑन करके अब टेस्टिंग करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।